शिवपुरी में कोर्ट के बाहर शिक्षक ने पत्नी को पीटा। तलाक की तारीख में गवाही देने भाई और पिता के साथ पहुंची थी महिला। शिवपुरी जिले के कोलारस कस्बे में बुधवार को कोर्ट के बाहर शिक्षक पति ने पत्नी की पिटाई कर दी। इसका वीडियो भी सामने आया है। दरअसल पति से चल रहे तलाक के केस की तारीख पर महिला उसके पिता व भाई के साथ कोर्ट पहुंची थी, जिसके साथ शासकीय शिक्षक पति ने अपने दो भाई और पिता के साथ मिलकर सरेराह मारपीट कर दी। पीड़ित महिला के भाई की शिकायत पर कोलारस पुलिस ने महिला के पति उसके दो भाई और पिता के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक कोलारस कस्बे की रहने वाली किरण जाटव की शादी वैराट तहसील के गुगरीपुरा के रहने वाले अविनाश जाटव से वर्ष 2011 में हुई थी। अविनाश वैराट तहसील के खोदा गांव में शासकीय शिक्षक के पद पर पदस्थ है। दोनों के तीन बच्चे हैं। पारिवारिक क्लेश के चलते कुछ वर्ष पहले अलग हो गए थे। दोनों के बीच तलाक का केस कोलारस के न्यायालय में चल रहा है। इसी क्रम में बुधवार को किरण जाटव अपने भाई राजू जाटव पिता लालाराम जाटव के साथ न्यायालय में लगी तारीख के लिए आई हुई थी। जैसे किरण न्यायालय में अपने बयान दर्ज करवा कर बाहर निकली, तभी पति अविनाश किरण से बच्चों को उसके सुपुर्द करने के लिए कहा। जब किरण ने बच्चों को देने से मना कर दिया, इससे भड़के अविनाश ने किरण साथ मारपीट कर दी। जब किरण के भाई राजू और पिता लालाराम ने रोकने के प्रयास किए, तो अविनाश के दोनों भाई प्रसून जाटव, हर्षवर्धन, उसके पिता हरविलास ने मिलकर न्यायालय के बाहर मारपीट करना शुरू कर दिया। न्यायालय के बाहर करीब एक घंटे तक तमाशा चलता रहा। किरण जाटव के भाई राजू जाटव की शिकायत पर कोलारस पुलिस ने अविनाश जाटव, हरविलास, प्रसून जाटव, हर्षवर्धन जाटव के खिलाफ मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है।